फिर से नमस्कार। बहुत दिनों बाद, क्योंकि कोविड के चक्कर में हम लोग कहीं घूम फिर नहीं पा रहे थे, और फिर से हम लोगों ने यात्रा शुरू कर दी है। और आज हम आप लोगों को लेके चलेंगे बांधवगढ़ नेशनल पार्क। पीछे देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और एज यूजुअल सतना से हम लोग आए हैं, क्योंकि ये पीछे हमारे कश्यप जी हैं और पीछे हमारे अंकित हैं। ये लोग सतना, बेसिक सतना के ही हैं, इसलिए पहले इनके पास आते हैं, फिर ये लोग हमें कहीं ना कहीं घुमाने का प्लान करते हैं। तो आज हम लोग आए हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इस वीडियो में फिर आगे चल के सारी जानकारी मैं ऐड करता रहूँगा। ये है एंट्रेंस बांधवगढ़ नेशनल पार्क। टिकट काउंटर का एंट्रेंस है और सामने आपको दिख रहा होगा, ये यहीं से सीधे अंदर जाते हैं तो टिकट काउंटर है। और टिकट काउंटर की जानकारी जो अभी तक हम लोगों को मिली है वो है कि 6500 रुपये एक जिप्सी का चार्ज है, जिसमें 2500 रुपये टिकट है, 3000 रुपये जिप्सी और जो दूसरा कहा जाए गाइड का चार्ज, कुल मिला के लगभग 6000 से 6500 रुपये। लेकिन अगर आप एक दो लोग आ रहे हैं तो आप लोगों के लिए मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ कैंटर चलता है। अभी आप इस वीडियो में कैंटर भी देखेंगे, क्योंकि हम लोग शाम के टाइम आए हैं, लेकिन अब हम लोग सुबह की सफारी करेंगे। चलिए टिकट काउंटर तक आप लोगों को लेकर चलते हैं। ये है टिकट काउंटर, अभी तो क्लोज है, और लगभग सारा अपडेट आपको काउंटर के बाहर दिख जाएगा। अब जैसे देखते हैं पार्क सफारी का टाइम जो है कोर जोन 6:30 से 11:30 बजे तक है, और शाम को 3:30 से 5:30 बजे। कोर जोन ही ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, बफर जोन तो एक तरीके से जंगल ही जंगल है। नाइट सफारी का भी ऑप्शन है यहाँ पे, और सामने ये चार्जेस लगे हैं, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। हाथी भ्रमण का भी ऑप्शन है यहाँ पे। और बाकी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो इंस्टा पे आप हमसे ले सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो में सारी जानकारी देना पॉसिबल नहीं होता है। एक रफली बता दें 6500 रुपये सफारी का चार्ज है, जिसमें 6 लोग, और अगर उसमें अगर आप जाना चाहते हैं कैंटर में जाना चाहते हैं तो कैंटर का 950 रुपये अप्रॉक्स, क्योंकि 3-4 महीने पहले ये 550 रुपये था, अभी फिलहाल 1000 अप्रॉक्स हो गया है। तो हम लोग कैंटर ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि हम लोग 3 लोग हैं, और टाइमिंग 6:30 बजे खुलेगी ये। फिर टिकट का भी अपडेट हम इसमें ऐड करेंगे। और हाँ, ये भी मैं बता दूं आप लोगों को कि सुबह की सफारी की जो बुकिंग है, जो आप काउंटर से लेंगे तत्काल टिकट लेंगे, वो आपको पहले एक दिन पहले 6:30 से 7:30 के बीच में मिलेगा, क्योंकि लगभग 10 जिप्सी इनके पास बैकअप में होता है जो आप ऑफलाइन जाके ले सकते हैं। चलिए अभी आप देख रहे हो सुबह का टाइम हो गया, क्योंकि रात में हम लोगों ने टिकट ले लिया और अपने होटल में स्टे किया, फिर सुबह सुबह हम लोग 5:30 बजे यहाँ आ गए। अब इसके आगे का अपडेट जो भी है, टाइगर दिखता है नहीं दिखता है, लेकिन आप लोग ट्रेलर में देख ही चुके होंगे टाइगर हम लोग को दिखा है, और भी जो भी जानकारी है मैं इसमें आगे ऐड करता रहूँगा। ये सामने कैंटर और जिप्सी का तो आप लोग अभी आनंद लेंगे, कैंटर दिखा दे किस तरीके का है। चलिए यहाँ से हम लोग सफारी स्टार्ट कर दिए हैं, और टिकट काउंटर से लगभग 2 से 3 किलोमीटर आगे बढ़ने पे जो 3 जोन के गेट हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पे हैं, तीनों जोन हैं जो कोर जोन में आते हैं। तो हम लोग सफारी जो करने जा रहे हैं मगधी जोन, जैसा कि लोगों ने बताया कि मगधी जोन में चांसेस ज़्यादा होते हैं दिखने के, इसलिए मगधी जोन में हम लोग
एंटर करेंगे और ये सामने यही एक तरीके से गेट कहा जाए और चेक पॉइंट है जहाँ पे आपका डिटेल्स चेक होगा। इसके बाद फिर आप मगधी जोन में एंटर कर जाएंगे और बाकी चलते हैं आगे, दिखाते हैं आप लोगों को जंगल सफारी का आनंद। ये देखिए यही मेन रोड है और यहाँ से स्टार्ट हो गई हम लोग की सफारी। चलिए उम्मीद कर रहे होंगे कि वीडियो अभी तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ ऐसी जानकारी चाहिए होगी तो इंस्टा पे आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी आगे आप फिर आप लोग सुबह की जंगल सफारी का आनंद लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद। कितने टाइगर हैं यहाँ पे? 30, 2, 1 माँ के 3 बच्चे। अच्छा अच्छा दिखता है या कितने दिनों में दिख जाता होगा यहाँ? दिख जाते हैं, हर दिन दिख जाते हैं, बट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, देखते हैं जब मूव करें तो चले पता चले, अभी इंतजार करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। चलिए आप टाइगर दिखा दीजिए, हमारे सारे सब्सक्राइबर आप ही के पास आएंगे। अरे वो तो ठीक है, बट पहले अपन जो प्रयास है वो तो जारी रखना चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, वैसे भी जंगल में आए तो टाइगर की उम्मीद लेके ना आए, दिख जाए तो आपकी किस्मत, बाकी प्रकृति का आनंद लीजिए।